या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सजदा सहव के ताल्लुक से जो सबसे ज़रूरी बात ये जो लोगों के इल्म में नहीं होती वो ये वैसे पेश नहीं आती लेकिन उनकी मालूमात में नहीं होती कि सजदा सहव अगर किसी शख्स ने नमाज में कसदन कोई वाजिब तर्क किया तो सजदा सहव से काम नहीं चलता, उसको नमाज दोहराना होती है। यानी कोई जानबूझकर अगर कोई वाजिब को छोड़े, और सजदा सहव उस सूरत में होता है नमाज में कि जब कोई भूल से सिर्फ वाजिब छूटे तो सजदा सहव होता है, लेकिन लोग फ़र्ज़ भी छूट जाए सुन्नत भी छूट जाए हर केस में सजदा सहव कर रहे होते हैं। पहला तरीका तो यही गलत है कि हर सूरत में हर गलती में सजदा सहव नहीं होता, बल्कि ये उस सूरत में होगा जब आपका कोई जानकर वाजिब नमाज में छूटा हो तब होगा। दूसरा ये कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें जानकर वाजिब छूटा होता है लेकिन फिर भी सजदा सहव हो जाता है लेकिन नमाज दोहराना नहीं पड़ती, वरना दीगर सूरतों में तो यही हुक्म होता है कि जब नमाज के अंदर कोई कसदन वाजिब छोड़े कोई जानबूझकर वाजिब छोड़े तो फिर सजदा सहव का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सहव का मतलब ही ये भूल का सजदा है। जब उससे भूल हुई नहीं नमाज में ये तो जानबूझकर उसने गलती करी तो उसे भूल नहीं कहते, तो जो गलती जानबूझ के की जाएगी तो उसमें नमाज को दोहराना पड़ता है, उसमें सजदा सहव नहीं हो सकता, ये बात याद रखने वाली है। दूसरा ये कि सजदा सहव कसदन वाजिब छोड़ने पर किस सूरत में हो सकता है कि जहाँ नमाज में दोहराना ना पड़े वो सूरत में है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसको आधी सूरह फातिहा पढ़ी उसके बाद उसे याद नहीं आई, यानी वो भूल गया, ऐसा उसका माइंड एकदम वॉश हो गया कि उसको कुछ समझ नहीं आया, वो बार बार एक आयत को रिपीट करता जा रहा है लेकिन उसको याद ही नहीं आ रही आगे की कोई आयत, और सूरह फातिहा छोड़ के वो दूसरी सूरत पे भी नहीं जा पा रहा, यानी उसको कोई नई सूरत भी एकदम जहन में नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में वो बंदा फ़ौरन रुकू कर ले, और रुकू में भी उसको अगर याद ना आए तो फिर कोमा सजदा वगैरह करके इस सूरत में कि जब उसको कोई ऐसी सूरत ऐसी भूले कि उसको याद ही ना आए सजदे तक याद ना आ पाए तो उसको सजदा सहव होने से उसकी नमाज हो जाएगी, उसको फिर नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उसको याद नहीं आ रहा ये वो जानता है कि ये वाजिब है मुझे पढ़ना है और ये भूल से नहीं है कसदन है कि वो इरादा तो कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, तो ये एक ऐसी सूरत है कि जहाँ कसदन वाजिब तर्क पर भी सजदा सहव से काम चल जाता है, वरना ये कि कसदन वाजिब छोड़ने पर नमाज दोहरानी पड़ती है। और इस सूरत में भी अगर उसको रुकू में याद आ गया तो फिर ये बंदा वापस सूरत पढ़ेगा, या रुकू से उठ के उसे कोमे में याद आ गया तो भी ये बंदा पढ़ेगा, यानी कोमे में अगर याद आया सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत तो फिर सूरह फातिहा पढ़े सूरत पढ़े और फिर दोबारा से रुकू करे तब। लेकिन अगर याद आने के बाद इसने जानबूझ के छोड़ दी सूरत, मतलब ये सोच के कि चलो छोड़ो नमाज में आगे बढ़ गया तो अब सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, तो अब इसको नमाज दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि अब इसका इसमें इरादा भी शामिल हो गया और इसको चीज़ें आती भी थी याद भी आई लेकिन इसने इरादतन कसदन छोड़ दिया, तो अब सजदा सहव से काम नहीं चलेगा, तो इस सूरत में इसको दोबारा नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर इसको याद आ जाती है सूरह फातिहा या फिर कोई सूरत उसको पढ़नी है तो फिर उसको पढ़ना लाजिम हो जाएगा, और पढ़ने के बाद दोबारा से रुकू करना भी ज़रूरी हो जाएगा। अगर रुकू किया था तो फिर से रुकू करेगा और वापस नमाज पूरी करेगा, लेकिन आखिर में सजदा सहव भी इससे हो जाएगा लेकिन नमाज दोहराना नहीं पड़ेगी। और अगर इसने उस सूरत में यानी याद आने की सूरत में छोड़ दिया तो नमाज फिर दोबारा दोहरानी होगी। और पूरी नमाज में अगर याद ही नहीं आया, इस शख्स को नमाज पूरी हो गई आखिर तक याद नहीं आया, तो सिर्फ सजदा सहव से काम चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अपनी मस्जिद मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा